न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देश दुनिया में फैले कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश में हड़कंप है। अगर बिहार के दृष्टिकोण से बात की जाए तो कल कोरोना वायरस जो भी संख्या थी वो 22 पहुंच गई थी, लेकिन आज सुबह सुबह नालंदा के सिलाव जिला के रहने वाले एक युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी कि यूँ कह लीजिए कि पूरे बिहार में कोरोना वायरस संक्रमित को की संख्या 23 पहुंच गई है। इस समय है पटना सिटी के सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, या देख सकते हैं कि पटना सिटी का यह सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और दो लोग यहाँ सस्पेक्टेड हैं। वो यहाँ पर प्रथम जांच के लिए आए हैं, यह समझने के लिए आए हैं कि यहाँ पर समझने के लिए आए हैं कि क्या सिम्टम बन रहा है, उसके आधार पर यहाँ पर मरीजों को रेफर किया जा सकता है। यहाँ पर इलाज तो नहीं संभव है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा यह बताया जाता है कि हाँ आपके शरीर में इस तरह का सिम्टम है तो आप जा करके जांच करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मरीज पहुँचे हैं तो यहाँ पर डॉक्टर की मौजूदगी थी ही नहीं। सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बजे तक यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। तब जाकर के मीडिया को खबर दी गई। उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे, लोगों ने उससे उन डॉक्टर जो भी मौजूद नहीं थे वो अचानक आ पहुँचे और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ के प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी परमानंद जी भी पहुँचे गाड़ी से, लेकिन उनका चिकित्सा प्रभारी जो है यहाँ के, उनका विरोध कर लोगों ने उन्हें वापस कर दिया है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनकी यह गाड़ी जो है इसी में चिकित्सा प्रभारी परमानंद जी बैठे हुए हैं। लोगों ने उन्हें विरोध करके भगा दिया है, सड़कों पर हैं। कारण यह है कि वो काफ़ी लेट पहुँचे हैं और यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी। हमेशा यहाँ पर यही स्थिति बनी रहती है। यहाँ के मुखिया हैं देव शर्मा, उनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की क्या व्यवस्था है जिसके कारण यह विरोध करना पड़ा। जी आप बताइए क्या यहाँ पर हुआ है? यहाँ पर हुआ कि अभी दिल्ली से मेरे पंचायत में सबलपुर गाँव में 10 नंबर वार्ड में दो मरीज आए थे, तो उसको कोरोना के जांच कराने के लिए हमने यहाँ भेजा केंद्र में। लेकिन यहाँ पर आने के बाद गार्ड द्वारा कहा गया कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सीधा NMCH चल जाइए या PMCH चल जाइए। उस समय डॉक्टर उपस्थित थे कि नहीं? नहीं, डॉक्टर भी नहीं थे, कोई लोग नहीं थे, सिर्फ गार्ड थे। गार्ड बोले कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए जनता लोग हमको खबर किए, हम यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी आए, डॉक्टर प्रभारी साहब से भी हम बात किए थे घर ही पर से, जब नहीं आए थे तो फ़ोन किए थे उनको भी, तो कहें कि हम पहुंच रहे हैं वहां, डॉक्टर भी आ रहे हैं। और सब दिन, आज नहीं पिछले दिन भी, सब दिन ऐसा ही व्यवस्था रहता है, कोई यहां सुविधा नहीं है। तो अभी सब प्रभारी यहां पर पहुंचे थे, उनका विरोध आप लोगों ने किया है, उनको हटा दिया है सर? विरोध किया कि यहां कोई व्यवस्था नहीं है, 24 घंटा डॉक्टर चाहिए, समय पर आते नहीं है। आते भी हैं तो सीधा कहते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, चल जाइए PMCH NMCH। तो यहाँ ही लोग आते हैं किस लिए? आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि यहाँ के मुखिया देव शर्मा थे, उन्होंने साफ तौर पर इस अस्पताल की जो व्यवस्था है उसकी खोल खोल कर रख दी है। इनका साफ तौर पर बोलना था कि कहना था कि यहाँ पर अभी कोरोना पेशेंट से जो भी संबंधित जो पेशेंट आते हैं उनका चेकअप ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं रहती है। इस आप देख सकते हैं यहाँ के चिकित्सा प्रभारी हैं जिनको लोगों ने यहाँ भारी विरोध करते हुए रोड पर भगा दिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका विरोध क्यों किया गया। जी आप बताइए कि आपका विरोध क्यों किया गया? डॉक्टर आधा घंटा लेट, हम 24 घंटा का ड्यूटी दिए हुए हैं। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि 24 घंटा ड्यूटी दिए हैं, आप अभी आए हैं, आपका विरोध हो रहा है? हम तो दो बजे से मेरा रहता है। आपका विरोध क्यों किया गया? विरोध किया गया कि डॉक्टर नहीं था। तो अभी के समय में डॉक्टर अस्पताल में नहीं रहते हैं, कैसे हो पाएगा? कोरोना इतना भयंकर रूप ले चुका है, कम से कम यहाँ जांच होकर के यहाँ से रेफर किया जा सकता है। जांच नहीं होगी, अगम कुमार। हाँ, अगम कुमार जांच होती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर से सिम्टम तो बता सकते हैं, उसके आधार पर आगे जा सकता है लोग? नहीं, रेफर कर सकता। तो यहाँ डॉक्टर नहीं थी उस समय?
15-20 मिनट या आधा घंटा। तो आप साफ तौर पर सुन सकते थे यह चिकित्सा प्रभारित हैं सहलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उनका विरोध हुआ और डॉक्टरों के नहीं रहने के कारण उनका उनको विरोध का विरोध झेलना पड़ा। लेकिन एक बात तो यह स्पष्ट है कि जिस तरह से जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जांच प्रथम रूप से जांच किया जाता है, उसके बाद उस डॉक्टर को अगर लगता है कि हाँ उसमें कोरोना के लक्षण पाए जा सकते हैं तो उनको यहाँ से रेफर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं थी जिसके कारण लोगों ने इतना जो यहाँ के चिकित्सा प्रभारी थे उनका विरोध किया और उनको भगा दिया। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।